सर शुरू करें था सर, कल अमित शाह यहाँ पर आए थे, निर्मल में आए थे और उन्होंने सीधे सीधे ये कहा है कि बीजेपी जो है मजलिस पार्टी से बिल्कुल नहीं डरती, खास करके तेलंगाना में। अब सीधा क्या आप समझते हैं कि और भी कुछ और एक पार्टी के लीडर ने कहा ना, और एक पार्टी लीडर ने कहा ना कि हम वो भी कुछ अच्छा, एक और पार्टी ने कहा, पुरानी पार्टी, हाँ तीनों ने मिलके, देखिए TRS कांग्रेस BJP सब मिलके लैला की वाह वाह कर रहे हैं और सब की जबान पे से OIC MIM है। इनको हमारे सिवा कोई नजर आता ही नहीं है ना, क्या बात है यार, अच्छी बात है चलिए, मगर इनको हम इन तमाम को बोलना चाह रहे हैं कि हम भी किसी से नहीं डरते, हम सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरते, बस और क्या है। देखिए अमित शाह साहब को, होम मिनिस्टर को बड़ी तकलीफ है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में आए थे, चार मीनार के दामन में आए, दोनों वार्ड लूज कर गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 घंटे फिराया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, हार गए, तो उनको वो बड़ी तकलीफ़ है, इसीलिए वो अपनी तकलीफ़ का इजहार कर रहे हैं, दूसरों को भी तकलीफ़ है, तो हम भी किसी से नहीं डरते। ये बार बार ये लोग डर डर की बात क्यों करते, डर डरने की बात, डेमोक्रेसी में डर क्यों हो रहा है? और डेमोक्रेसी में माइनॉरिटीज़ को कॉन्फिडेंस दिलाना ना, आप तो मेजॉरिटी हैं, आप तो रूलिंग पार्टी हैं दिल्ली के, आप तो शाह साहब हैं, तो आपकी ज़बान से डर क्यों निकल रहा है? आपकी ज़बान से तो उम्मीद की बात होनी चाहिए। क्या आपसे डर रहे हैं सर वो? नहीं, मुझसे क्यों डरना चाहिए? मैं कह रहे हैं कि यहाँ की सरकार आपसे डर के डिप्रेशन दे रही है। अरे भाई, वही सरकार के एक मिनिस्टर कह रहे हैं हमारे बारे में, दूसरी पुरानी पार्टी कांग्रेस भी, कल तीनों पार्टी हमारे बारे में बोल रहे हैं। ये क्या सुबह शाम, क्या इनको ख्वाबों में हम ही नजर आ रहे, क्या दूसरा को नजर नहीं आता क्या इनको अपने ख्वाबों में? सर अमित शाह ने कहा है कि 2024 में बीजेपी तेलंगाना में सरकार बनाएगी और ऑफिशियली लिबरेशन डे मनाएंगे, तो आप उस पे क्या कहना चाहते हैं, क्या बीजेपी यहाँ पे सरकार बना सकती है? देखिए, GHMC इलेक्शन में बीजेपी कुछ नहीं कर पाई, थोड़े सीटों में इजाफा हो गया। सुनिए, कोविड की दूसरी वेव आई नरेंद्र मोदी सरकार की गलतियों की वजह से। जब कोविड की सेकेंड वेव में पूरा तेलंगाना और हैदराबाद फंसा हुआ था, ये कहीं पर नज़र नहीं आए बीजेपी वाले। हाँ, तीसरी बात यह है कि MLC का इलेक्शन हुआ, उसमें बीजेपी बुरी तरह हार गई, सिटिंग उनका कैंडिडेट था, बीजेपी हार गई। फिर एक SME इलेक्शन हुआ नागार्जुना सागर में, डिपॉजिट चली गई। अब ये कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं? लड़िए इलेक्शन, लड़ना आपका डेमोक्रेटिक राइट है, हर पार्टी को लड़ना चाहिए और जनता जवाब देगी, तेलंगाना की आवाम जवाब देगी इंशाल्लाह ताला उसको। देखिए GHMC में ये BJP की विक्ट्री, एक पायरिक विक्ट्री बोलते हैं अंग्रेजी में उसको, पायरिक विक्ट्री वो थी। वो देखिए, हमारा मानना यह है कि रेडिकलाइजेशन जहाँ कहीं भी होता है, जिस किसी समाज में होता है, वो उस मुल्क, उस कंट्री, उस देश के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए खतरा है। हम प्रधानमंत्री से ये जानना चाहेंगे कि कानपुर में एक 10 साल की लड़की अपने बाप को बचा रही थी, एक मॉब जमा होकर मार रहा था उसको, वो क्या रेडिकलाइज नहीं हुआ मॉब? वो एक आदमी चूड़ियाँ बेचता है तो उसको चूड़ियाँ बेचने की इजाज़त नहीं है क्योंकि उसका नाम मुसलमान है, क्योंकि वो एक मुसलमानों में OBC मंसूरी बरादरी से उसका ताल्लुक़ है, उसका ताल्लुक़ चौरी चौरा के बुज़ुर्गों से। और फिर तीसरा ये है कि जो जितने मॉब लिंचिंग के वाकयात हो रहे हैं,
वो जो लोग नारे लगा रहे हैं जंतर मंतर पर, वो भी तो रेडिकलाइज हो चुके हैं। तो हम प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि यकीनन रेडिकलाइजेशन किसी भी देश के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए थ्रेट है, और प्रधानमंत्री को ये रेडिकलाइजेशन की जो मिसालें मैं पेश किया हूँ उस पर भी प्रधानमंत्री को उस पर कंडेम करना चाहिए, उसकी मजम्मत करना चाहिए। और प्रधानमंत्री को ये भी बोलना चाहिए कि एक स्टेट का मुख्यमंत्री अब्बा जान कहता है, वो क्या प्रधानमंत्री उससे मुत्तफिक हैं उनकी उस भाषा से? और क्या ये जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं वो चचा जान बोलता है, तो क्या वो भी उससे मुत्तफिक हैं? ये लोग रेडिकलाइज नहीं हुए क्या? ये भी रेडिकलाइजेशन है। तो प्रधानमंत्री से हम उम्मीद करते हैं कि वो इन तमाम रेडिकलाइजेशन को भी नोटिस लेंगे और इसका रोकथाम करेंगे। अब प्रधानमंत्री की जो स्पीच रेडिकलाइजेशन SCO में हुई, हम उनसे जानना चाहते हैं कि अमेरिका ने तालिबान के लीडर्स को उनके ट्रैवल के लिए एग्जेम्पशन दिया है, तो क्या प्रधानमंत्री अमेरिका के इस डिक्टैक्ट को मानेंगे फैसले को? हम ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि भारत यूनाइटेड नेशन की सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन है, तो क्या अमेरिका के हुक्म पर, क्या भारत अमेरिका के हुक्म को मानकर तालिबान के इन तमाम लीडर्स को डीलिस्ट करेगा या फिर इनको UAPA की टेरर लिस्ट में इनका नाम शामिल करेगा? ये प्रधानमंत्री को बताना पड़ेगा क्योंकि अमेरिका ने तालिबान के लीडर्स के ट्रैवल के एग्जेम्पशंस दिए हैं, तो फिर क्या हम भी उसको मानेंगे क्या? ये देश को बताना चाहिए मोदी सरकार। सर, ये चाचा जान की बात कर रहे थे, हाल ही में राकेश टिकैत ने आपके ऊपर भी टिप्पणी की थी कि चाचा जान जो है सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को, लेकिन आपने तो पहले फार्मर्स के पक्ष में बोला था, फार्मर्स स्ट्राइक के, तो क्या ऐसी बात हो गई कि राकेश टिकैत? नहीं, आज भी मेरा मानना ये है कि जो फार्म लॉज बनाए गए वो भारत के संविधान के, भारत के आईन के खिलाफ है और वो किसानों के मफाद में नहीं है, बल्कि वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को उससे फ़ायदा पहुंचेगा। आज भी हमारा स्टैंड वो है, उसमें कोई स्टैंड में तब्दीली नहीं आई। अब देखिए, ऐसा है ना कि ये इनका माइंडसेट है, इनको लगता है कि मुसलमान को इस तरह से पुकारो तो चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या ये मौसूफ हो, ये इनकी मानसिकता को, इनके माइंडसेट को का इजहार करता है जिसमें मुसलमानों से कूट कूट कर नफरत भरी हुई है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये देश देख रहा है, उत्तर प्रदेश के मुसलमान इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं डॉग विजिल पॉलिटिक्स, उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो कुत्ते की सीटी की सियासत इसको कहते हैं, इसी में ये इंडल्ज कर रहे हैं और ये देख रहे हैं लोग। देखिए, जो इस तरह के जो इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं ना। इसी आई आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर स्पीच ऑफ यस्टरडे आई हैड ट्वीटेड that any radicalization in any country is a threat to rule of law. I hope that the Prime Minister also takes notice of these people who mob lynch people in the name of cow or in the name of religion. I hope that the Prime Minister is informed about what happened in Kanpur when a 10-year-old Muslim girl was trying to save her father from a mob which was beating her father just because he happened to be a Muslim. I hope that the Prime Minister has taken notice of what has happened in the capital of our country at Jantar Mantar, wherein a mob assembled and raised slogans to about annihilation of the Muslims. This is also radicalization. The Prime Minister, I'm sure, would disagree or agree, I don't know. When the chief minister of the biggest state of our country says Abba Jan, that also has to be taken note of. So radicalization is happening and the Prime Minister should take note of who has radicalized these people who are calling Nathuram Godse a savior. That is also radicalization. And also I want to know from the government of India, headed by our Prime Minister Shri Narendra Modi, that now the United States of America
has given exemption to Taliban leaders for their travel. It has given further exemption. Will Narendra Modi's government follow the diktat of the US government in allowing exemption that has been given to Taliban? Because the Prime Minister has rightly said that the Taliban is radicalizing. Now, as the chairman of the UN Sanction Committee, will India delist Taliban or will continue to call the, will continue with that listing of them as terrorists? And if that is the case, then the government should ask that Taliban should be put in the terrorist list under Unlawful Activities Prevention Act. I hope that the Prime Minister will respond to it and their government will respond to these two things.